Hey everyone, welcome back to again SR Editing Zone. दोस्तों हाल ही में Lightroom मोबाइल में एक देखिए बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें ब्लर नाम का एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके जरिए हम अब Lightroom के अंदर ही DSLR जैसा ब्लर इफेक्ट डाल सकते हैं अपनी फोटो में। ये ऑप्शन दोस्तों काफी ज्यादा कमाल का है और इसमें डिफरेंट तरह के ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि यार काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसके टूल की बात करेंगे, कैसे आपको यूज करना है, कहां ये आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ और क्या क्या चेंज हो गया है Lightroom मोबाइल में। तो सभी चीजें हैं वीडियो के अंदर, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ये होगी, वीडियो को पूरा देखेगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना मेरी चैनल। दोस्तों पहले हमें Lightroom मोबाइल का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता था जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते थे, लेकिन रिसेंटली अपडेट के बाद दोस्तों हमें Lightroom कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। पहले की तुलना में इसमें बहुत सारे टूल्स मिसिंग है और साथ ही एडिट में जाने पर एक नया ब्लर नाम का टूल देखने को मिलने वाला है जिसकी हेल्प से हम आप Lightroom के अंदर ही फोटो के बैकग्राउंड में एक डिसेंट ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का। इसमें भी हमें बहुत तरह के डिफरेंट ब्लर ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक सर्कल, बबल, फाइव ब्लेड, रिंग, कैट आई और फोकस का। आपको जो इफेक्ट पसंद आता है वो आप रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर फोकस के जरिए इस पॉइंटर की हेल्प से जिस पार्ट को आप फोकस करना चाहते हैं इस तरह से उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम कुछ फोटोज पर इसको ट्राई करके देखते हैं। फोटो लिया, यहां एडिट पर गए, देन ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अभी ब्लर अमाउंट को इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और AI के हेल्प से हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया। यहां से हम ब्लर इफेक्ट के स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा ये रिंग वाला फेवरेट है और काफी ट्रेंडिंग भी चल रहा है। दोस्तों अभी आप अंतर खुद ही देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कितना बेहतरीन ब्लर हुआ है। मैंने काफी एप्लीकेशन ट्राई किए लेकिन दोस्तों इसका ब्लर मुझे सबसे बेस्ट लगा। और फोटो पर भी ट्राई करते हैं। फोटो लिया, देन एडिट में जाकर ब्लर टूल को सिलेक्ट किया, नाउ ब्लर के अमाउंट को इंक्रीज किया और थोड़ी ही देर बाद हमें ये रिजल्ट मिला। इस फोटो पर दोस्तों उतने अच्छे से वर्क नहीं किया, सो हमने यहां से फोकस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सब्जेक्ट को फोकस कुछ इस तरह से कर लिया। अभी ब्लर के अमाउंट को बढ़ा दिया। अब काफी सही रिजल्ट मिल गया, सो आप फोकस अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। देन एक फोटो पर और ट्राई करते हैं, फिर आपको बताएंगे कहां पर मिलेगा ये ऐप, ठीक है? सो मेरी जान इस तरह से ब्लर किया, देन रिंग वाले इफेक्ट को सेलेक्ट किया और अंतर आपके सामने है। जब अच्छा रिजल्ट ना मिले तो आप इस तरह से अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस पॉइंटर की हेल्प से। अभी काफी बढ़िया ब्लर हो गया है। खास बात यह है कि यह ऑटो डिटेक्ट कर लेता है AI की हेल्प से और जिस पार्ट पर ब्लर होना चाहिए वही करता है। जैसे कि इस फोटो में सब्जेक्ट को काफी अच्छी तरह से डिटेक्ट करके बैकग्राउंड में ही ब्लर किया और इस ट्री पर ब्लर नहीं किया। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों और अब तक का सबसे बेस्ट बैकग्राउंड ब्लर एप्लीकेशन मेरी नजर में यही है। अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ टूल मिसिंग है वो कहां गए। दोस्तों सभी टूल्स इसी ऐप में है, बस इंटरफेस थोड़ा चेंज कर दिया कंपनी ने। जैसे प्रीसेट में रिकमेंड प्रीसेट के साथ साथ प्रीमियम एंड योर प्रीसेट वाला ऑप्शन पहले जैसे ही दिया है और थ्री डॉट पर क्लिक करने पर इंपोर्ट प्रीसेट का ऑप्शन भी दिया है। पहले जैसे ही इसके साथ ही क्रॉप टूल में कुछ नए ऑप्शंस भी जोड़े गए हैं जिसकी बात मैं फिर कभी करूंगा। अभी और टूल्स देखते हैं। ऑटो टूल बाहर था, अभी एडिट के अंदर ही दे दिया गया है। इसके साथ ही लाइट में एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट वगैरह जो पहले वाले सभी टूल्स हैं यहाँ। अभी नीचे की तरफ कर्व वगैरह टूल भी दिया गया है। कलर में भी पुराने वाले सभी टूल्स दिए गए हैं। कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन को नीचे कर दिया गया है। और HSL वाला ऑप्शन यहां दिया गया है। इफेक्ट में भी ये सभी चीजें अलग अलग कर दी गई हैं। कुल मिला के दोस्तों थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो सभी टूल्स आपको मिलेंगे।
कोई भी टूल कम नहीं किया गया, मास्किंग वगैरह से भी पहले के जैसे ही हमें यूज करना है। एप्लीकेशन पाने के लिए आप SR एडिटिंग जोन लाइटरूम लिखकर गूगल कर लेना, वहां आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।